देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली बाजार में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव में सुधार हुआ है। मलेशिया एक्सचेंज में फिलहाल मंदी का रुख है, पर स्थानीय बाजार में भाव पहले ही बन जाता है, इसलिए मंदी का अभी कोई असर नहीं है। बाजार सूत्रों ने बताया कि बुधवार रात विदेशी बाजार काफी तेजी दर्शाते हुए बंद हुआ था, जिसका अनुकूल असर तेल तिलहन कीमतों पर दिखा है और लगभग सभी तेल तिलहन में सुधार भी आ चुका है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच विदेश में सीपीओ के दाम $2,000 प्रति टन से ऊंचा हो गया है। आयात करने पर सीपीओ का भाव 167.5 रुपए किलो बैठता है, जबकि पामोलिन का भाव आयात करने पर 177 रुपए किलो बैठता है। ऐसे में सवाल ये है कि इन महंगे दाम वाले तेलों को कौन खरीदेगा। वहीं अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन डिगम तेल के मार्च की निर्यात की खेप नहीं आ पा रही है। अप्रैल वाली निर्यात की खेप भेजी जा रही है, जो जून तक आने की संभावना है। सीपीओ का भाव सोयाबीन से लगभग $200 टन नीचे रहता था, वह सोयाबीन से लगभग $150 अधिक कर दिया गया है। वहीं देसी तेलों में सरसों, बिनौला और मूंगफली के तेल आयातित तेलों से 10 से 12 रुपए किलो सस्ता हो गया है। बाकी तेल तिलहनों के भाव बिना किसी बदलाव के कल से स्तरों पर देखे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।